वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम परफॉर्म करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट लैम्डा बाय ग्रेटिंग। इस एक्सपेरिमेंट का एक ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लैम्प सोर्स बाय यूजिंग प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। ये हमारा सोडियम लैम्प है, यहाँ पे हमने अभी लाइट ऑन करी है, तो ये सोडियम लैम्प को पूरी तरह से इल्यूमिनेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और ये हमारा ग्रेटिंग है, ग्रेटिंग देख सकते हैं हम जो यूज कर रहे हैं वो 2500 LPI का ग्रेटिंग यूज कर रहे हैं। LPI का मतलब लाइंस पर इंच। यहाँ पे हमें एक और चीज चाहिए होगी, वो है मैग्नीफाइंग लेंस। ये लाइट वाला मैग्नीफाइंग लेंस है, क्योंकि ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो है हम अंधेरे में परफॉर्म करते हैं, बिल्कुल डार्क रूम में। अभी हमने ये शो करने के लिए लाइट जला रखी है, लेकिन रीडिंग्स लेते वक्त हमें बिल्कुल कंप्लीटली डार्क रूम चाहिए होगा। ये हमारा स्पेक्ट्रोमीटर है। स्पेक्ट्रोमीटर के तीन डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। कॉलीमीटर, इसका फंक्शन होता है लाइट रेस को पैरेलल कर देना। ये हमारा प्रिज्म टेबल है, प्रिज्म टेबल पे ही हमारा ये ग्रेटिंग स्टैंड लगा हुआ है। और ये हमारा टेलीस्कोप। यहाँ पे स्पेक्ट्रोमीटर में दो अलग अलग स्केल दे रखे हैं, V1 और V2। ये दोनों स्केल आपस में 180 डिग्री के डिफरेंस पे होते हैं। और यहाँ पे भी आप देखेंगे V1 इन स्केल में भी दो अलग अलग स्केल है, एक ऊपर वाला वर्नियर स्केल और नीचे वाला सर्कुलर स्केल, यानी वो मेन स्केल है। हमारे इस स्पेक्ट्रोमीटर की लिस्ट काउंट जो है वो 30 सेकेंड्स है, क्योंकि हमारे इस मेन स्केल के स्मॉलर डिवीजन की वैल्यू 1/3 डिग्री है और टोटल डिवीजन जो है वो वर्नियर स्केल में 40 है। तो 1/3 डिवाइडेड बाई 40 जो है वो 30 सेकेंड्स कैलकुलेट हो गया था, जो कि लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है। यहाँ पे हम कॉलीमीटर में देख सकते हैं, कॉलीमीटर को अगर सेट करना हो तो हम कैसे सेट करते हैं कि ये जो सोडियम लैम्प की लाइट आ रही है इसको हमें कॉलीमीटर की स्लिट से पास कराना होता है। तो ये हमारी स्लिट है, ये देख सकते हैं कि ये एडजस्टेबल है। यहाँ से हम इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी विड्थ नॉर्मली हमें मिनिमम विड्थ रखनी होती है, ताकि लाइन जो है सोडियम लैम्प जो है बिल्कुल शार्प नजर आए। टेलीस्कोप के हमारे टेलीस्कोप में क्रॉस वायर बनी हुई है, उस क्रॉस वायर को ही हमें रीडिंग लेते वक्त उस स्लिट के ऊपर रखना होता है। अब सबसे पहले हमें टेलीस्कोप को सेट करना है, प्रिज्म टेबल को सेट करना है। कैसे सेट करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले ग्रेटिंग को लगाते हैं प्रिज्म स्टैंड पे। ये ग्रेटिंग को इस तरह से लगाना होता है कि इसका जो ये फ्रंट सरफेस है वो कॉलीमीटर की तरफ रहे, इस तरह से। अब हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि 90 डिग्री के एंगल पे इस टेलीस्कोप को मूव करा देना होता है। यहाँ पे अभी जिस पोजीशन पर रखा हुआ है हम यहाँ पे रीडिंग नोट करेंगे और उसके बाद इसको 90 डिग्री इस तरह से मूव करा देंगे स्केल पे देख के। 90 डिग्री जब ये मूव कर जाए उसके बाद हम ये ग्रेटिंग को भी 45 डिग्री के एंगल पे रोटेट कराएंगे और उस पर हम इसकी टेलीस्कोप पे उसकी इमेज देखेंगे कि कब उसकी इमेज नजर आ रही है रिफ्लेक्ट होके। फिर हम वापस इसको 90 डिग्री पे वापस ले आएंगे टेलीस्कोप को, और प्रिज्म टेबल को भी वापस उसी पोजीशन पे ले आएंगे कि इस तरह से लेकर आएंगे ताकि हमें वो स्लिट की इमेज यहाँ पे नजर आए टेलीस्कोप में अंदर से। ये है टेलीस्कोप, इस तरह अंदर से एक बिल्कुल फाइन स्लिट नजर आती है। रीडिंग लेने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे पहले फर्स्ट ऑर्डर के लिए लाइट नजर आएगी, उसकी रीडिंग नोट करनी होगी लेफ्ट साइड में। फिर सेकेंड ऑर्डर के लिए नजर आएगी लाइट, उसकी रीडिंग नोट करनी होगी। सिमिलरली हमें फिर राइट साइड में भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकेंड ऑर्डर के लिए, जो सेंटर पे जो लाइट नजर आ रही है स्ट्रीट लाइट, वो जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी रीडिंग हमें नोट नहीं करनी है। तो फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर से दो ऑर्डर के लिए हमें रीडिंग्स नोट करनी होगी, उसी के थ्रू हम वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट फाइंड कर सकेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। तो अभी हम पहले रीडिंग्स नोट कर लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन का पार्ट फिर जो बाद में होगा। रीडिंग का एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा मेन स्केल है उसकी रीडिंग जो है 5 तो कम्प्लीटली नजर आ ही रही है। ये 0 है, ये 10 है, तो ये सेंटर वाला पॉइंट जो है 5 है, 5 से वो एक डिवीजन आगे है।
अब मैंने आपको बताया था कि हमारे एक डिवीजन की वैल्यू जो है वो 1/3 डिग्री है, तो हमारी ये मेरे स्केल की रीडिंग हो गई 5 + 1/3 डिग्री यानी 5.33 डिग्री, प्लस 1 ईयर स्केल की रीडिंग हमारी कैसे काउंट होगी, 0 से 40 के बीच में कोई ना कोई एक डिवीजन होगा जो नीचे वाले किसी डिवीजन के साथ फुल कॉन्साइड करा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बिल्कुल सेंटर वाला डिवीजन है यानी 0 से 40 के बीच में बीच का यानी 20th जो डिवीजन है वो ऑलमोस्ट फुली कॉन्साइड कर रहा है नीचे वाले डिवीजन के साथ। तो हमारी 1 ईयर स्केल की रीडिंग हो जाएगी 20, तो मेन स्केल रीडिंग 5.33 डिग्री और 1 ईयर स्केल रीडिंग 20। तो टोटल रीडिंग हमारी, टोटल रीडिंग का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस 1 ईयर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, तो वो हम कैलकुलेट यहाँ करके यहाँ पर आपको शो कर सकते हैं। तो ये तो सिर्फ एग्जाम्पल दिया मैंने रीडिंग्स नोट करने का, इस तरह से हम फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर की रीडिंग अभी नोट कर लेते हैं, फिर फर्दर आप आगे कैलकुलेशन करते हैं। अब हम रीडिंग्स नोट आउट कर लेते हैं जो हमने वहाँ पे नोट करी है। ये हमारी टेबल है, ये ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम, ये 1 ईयर की हमने V1 स्केल यूज़ करा या V2 स्केल यूज़ करा, ये पोजिशन ऑफ टेलीस्कोप है जो हम इमेज के लेफ्ट साइड में और ये वाले राइट साइड में, मेन स्केल रीडिंग का कॉलम, 1 ईयर स्केल रीडिंग का कॉलम, ये टोटल रीडिंग कहलाई जाएगी। सिमिलरली ये मेन स्केल रीडिंग का कॉलम, ये 1 ईयर स्केल रीडिंग का कॉलम, टोटल रीडिंग, इन दोनों की टोटल रीडिंग का जो डिफरेंस होगा वो 2 थीटा, ऑफ इसको हम आप कर देंगे वो थीटा। तो ये हम नोट कर लेते हैं हमारी जो रीडिंग्स आई है। टोटल रीडिंग काउंट करने का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस 1 ईयर स्केल रीडिंग इंटू लिस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग तो हमारी ये है, 1 ईयर स्केल रीडिंग ये है और लिस्ट काउंट हमारी ये है। यहाँ पे देख रहे लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मेन स्केल अपॉन टोटल डिवीजन इन 1 ईयर स्केल। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी मेन स्केल की 1/3 डिग्री यानी 20 मिनट्स है और टोटल डिवीजन 1 ईयर स्केल में 40 है, तो लिस्ट काउंट हमारे स्पेक्ट्रोमीटर की हो गई 1/3 डिग्री डिवाइडेड बाई 40 विच इज इक्वल टू 1/2 मिनट और 30 सेकेंड्स। तो अब हम ये टोटल रीडिंग कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर कैलकुलेशन का पार्ट बाद में करते हैं। टोटल रीडिंग कैलकुलेट करने पर ये आई है B1 के लिए लेफ्ट साइड की 11 degree 4 minutes 30 seconds और राइट साइड की 4 degree 4 minutes 30 seconds। B2 के लिए 191 degree 8 minutes एंड राइट साइड के लिए 184 degree और 2 minutes, ये 15 degree 5 minutes, 1 degree 6 minutes, 195 degree 10 minutes एंड 180 degree 4 minutes and 30 seconds। अब हम लेफ्ट माइनस राइट की टोटल रीडिंग में से सबट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारे पास 2 थीटा आ जाएगा, V1 V2 फर्स्ट ऑर्डर के लिए और V1 V2 सेकेंड ऑर्डर के लिए हम इनका 2 थीटा निकाल देंगे, उसके बाद हम थीटा निकालेंगे बाद में कैलकुलेट करेंगे। अभी हम ये 2 थीटा और थीटा निकाल लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के लिए। 2 थीटा कैलकुलेट होने पर इस तरह से आया है, लेफ्ट की टोटल रीडिंग माइनस राइट की टोटल रीडिंग सबट्रैक्ट होने पर आई है 7 डिग्री V1 के लिए और 7 degree 6 minutes V2 के लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सिमिलरली सेकेंड ऑर्डर के लिए जाइए 13 degree 59 minutes फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट 1 ईयर 1 के लिए और V2 के लिए जाइए 14 degree 5 minutes और 30 seconds। अब हम इनका मीन लेके यहाँ पे थीटा निकाल लेंगे 2 से डिवाइड करके, तो यहाँ पे भी हम मीन लेके या थीटा निकाल लेंगे 2 से डिवाइड करके फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो हमारे पास थीटा की जो वैल्यू आई है वो है फर्स्ट ऑर्डर के लिए 3 degree 31 minutes 30 seconds और सेकेंड ऑर्डर के थीटा की वैल्यू है 7 degree 1 minute और 7.5 seconds। अब हम इन रीडिंग्स के थ्रू कैलकुलेशन कर लेते हैं जिससे लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वेवलेंथ फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा इज इक्वल टू a+b sin थीटा ओवर एन। ए प्लस बी जो है वो हमारा ग्रेटिंग एलिमेंट है, इसकी वैल्यू होती है 2.54 अपॉन हमारे पास जो नंबर ऑफ लाइंस पर इंच दे रखी है ग्रेटिंग में वो है 2500 जो कि हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। तो ये हमारी ए प्लस बी की वैल्यू है, 2.54 इसलिए है क्योंकि हमने इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। ए प्लस बी की वैल्यू 2.54 अपॉन 2500
हमारे पास n की वैल्यू जो है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 रखेंगे n की वैल्यू, सेकंड ऑर्डर के लिए 2 रखेंगे। और थीटा जो है ये जो हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए और ये सेकंड ऑर्डर के लिए। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख के देख लेते हैं, लैम्डा यानी फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितनी वैल्यू हो जाएगी, ए प्लस बी यानी 2.54 अपॉन 2500 इंटू साइन ऑफ 3 डिग्री 3 मिनट 30 सेकेंड्स, 3 डिग्री 31 मिनट्स और 30 सेकेंड्स डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि एन की वैल्यू जो है फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 है। तो वे ये वैल्यू जो हम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आता है, ये वैल्यूज हमारी कैलकुलेट होकर आती है 6.246 इंटू 10 पावर -5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारी ग्रेटिंग एलिमेंट की वैल्यू सेंटीमीटर में है तो ये वैल्यूज भी हमारी सेंटीमीटर में आएंगी। इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है 6246 एंगस्ट्रॉम। तो ये तो हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल दिया वैल्यू, इसी तरह से लैम्डा की वैल्यू हम सेकेंड ऑर्डर के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे, वो हो जाएगी 2.54 अपॉन 2500 इंटू साइन ऑफ 7 डिग्री 1 मिनट और 7.5 सेकेंड्स डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे हम एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर के लिए है। इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी आ रही है वैल्यू, ये वैल्यू हमारी कैलकुलेट होकर आई है 6.207 इंटू 10 पावर -5 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 6207 एंगस्ट्रॉम। तो हम रिजल्ट में इनका मीन लिखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 बाई 2, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 6226.5 एंगस्ट्रॉम। और जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो होती है सोडियम लाइट के लिए 5.93 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से हम इसका परसेंटेज एरर फाइंड आउट कर सकते हैं, परसेंटेज एरर हो जाएगा इसका, परसेंटेज एरर इसका आ रहा है 5.6% विच इज वेरी लो, विच इज लेस देन 10%, सो इट मीन दैट अवर एक्सपेरिमेंट इज सक्सेसफुली कंडक्टेड। थैंक्स।